Hi guys, welcome back to the channel and welcome to another vlog. So yes, I am ready because I am going out. कल है घर में पूजा, तो उसके लिए मुझे जाना है सामान लेने and also मुझे कुछ फर्नीचर भी लेना है because मेरा लिविंग रूम काफी ऐसे खाली है, तो इसीलिए तो चलो रेडी हो चुके हैं हम और निकलते हैं, है ना। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज हम क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बस घर को करते हैं बंद एंड चलते हैं। हाँ जी गाइस, हम आ गए हैं शॉपिंग करने। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को बताया, अच्छा बता तो दिया मैंने कि मैं क्यों निकली हुई हूँ आज बाहर, बट जो भी है। हेलो, चलो जी गाइस, तो हम पहुंच गए हैं घर। शॉपिंग के नाम पे हमने किया नहीं कुछ भी, फिर कुछ नहीं, बस लंच करके वापस आ गए हैं। बट मैं ना एक्चुअली जब गई थी तो मैंने बोला था ना सुबह कि मेरे को शॉपिंग करने जाना है, फर्नीचर भी लेना है। वो मैंने उसमें से कुछ ले भी लिया, बट मैंने उस टाइम पे कुछ मैंने शूट ही नहीं किया, मैं भूल गई। तो कोई नहीं, अभी उसकी डिलीवरी होने वाली है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या लिया। देखा हूँ सोसाइटी में सेल लगी है, छोटू कारपेट्स मिल रहे हैं जी तेरे को। चलो जी, अभी डिलीवरी होगी तब मैं दिखाती हूँ हम लोगों की क्या लिया है मैंने। एनी इसमें शक्ल ऐसी इसलिए है क्योंकि मुझे नींद आ रही है, तो क्या, और आज बहुत काम भी है हमारे पास, तो बस आज निपटाते हैं काम। ये कल है पूजा, अभी मैंने ये भी नहीं सोचा मैंने क्या पहनना है, वो भी एक टास्क है। चलो फिलहाल बेसमेंट में पहुंच गई, बाद में मिलेंगे। हाँ जी गाइस, तो फाइनली आ गया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या लिया है। सो मैंने मंगाया है ये आइटम। ये क्या है वो मिस्टर हस्बैंड खोलेंगे, खोलिए। अनबॉक्सिंग का काम मिस्टर हस्बैंड का है। आइए आइए, अनबॉक्सिंग करिए। हैं बीच में जगह से नीचे से खुला हुआ है ऑलरेडी। अरे 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 अरे, चाकू ले लो। हेल्प जी हैं, हाँ बस इसीलिए तो अच्छा लगता है ये मेरे को, बहुत ही लाइट वेट है। हाँ सरक जाएगा उसके साथ। हाँ ना, पर सही है ना, हल्का है अपना, इजी है कहीं भी शिफ्ट करने को ना, इसीलिए तो ये चाहिए था। ये करो अनबॉक्सिंग। बीच में ना गाइस कॉल आ गई थी तो इसलिए इंटरप्ट हो गई हमारी अनबॉक्सिंग, बट वी आर बैक टू दिस। ओके, चलो जी बनाओ इसको। हेल्प चाहिए, आइए। चलो जी, दिस इज नाउ आवर सोफा गाइस, जैसे सोफ़ा कम बेड, तो इसको 3-4 वेज में हम कर सकते हैं और काफ़ी लाइट वेट है ना, इसलिए मुझे ये बड़ा सही लगा एंड काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है, ऐसा नहीं एक्सपेंसिव हो बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ नाउ आर न्यू फर्नीचर जो हमारे लिविंग रूम में रहेगा, बेडरूम में रहेगा जब एक्स्ट्रा गेस्ट हैं तो हम इसको बेडरूम में अपना फ्लैट करके बेड की तरह यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वील यूज़ दिस एज लिविंग रूम के लिए। सो या बस टेबल एंड ऑल जो मेरे को लेना है ना, वो भी मैंने सोचा हुआ है मुझे क्या लेना है कैसा लेना है, बस उसको बनने में टाइम लगेगा इसलिए वो मैंने अभी नहीं कर पाया, अदरवाइज वो भी आ जाता। तो चलो कोई बात नहीं, अभी यही सही। अब इसका डेमो ना मैं आपको किसी और टाइम दूंगी कि ये क्या क्या टाइप का बन सकता है, अभी नहीं दे रही, ठीक है। चलो हाँ मिस्टर हस्बैंड आ गया कुछ नया घर में। कवर तो करना पड़ेगा इसको, तो प्रॉब्लम ये है कवर के। हाँ जी गाइस, हो गई है रात और मैं ना बीच बीच में एज यूजुअल इतना बिजी हो गई काम में कि मैंने कैमरा उठाया ही नहीं। पूजा का सामान लेने गई बैक टू बैक, फिर उसके बाद ऐसे चल रहे थे। सो यस, आई गॉट दिस चौकी, हवन कुंड एंड एवरीथिंग एंड बाकी सारा सामान भी मैं ले आई हूँ। अभी बस मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, मेरी हालत बहुत ख़राब है बिकॉज चीज़ें इतना मैस्ड अप चल रही है। सो या बस खाना बनाते हैं एंड जल्दी से काम फिनिश करते हैं, बिकॉज प्रसाद का कुछ पोर्शन ना मैं अभी बना दूंगी, लाइक पंजीरी को ना एक बेसिक उसको मैं अभी कर दूंगी,
सुबह बस उसको करना रहेगा मुझे मिक्सअप, तो इसीलिए तो डिनर हो जाएगा फिर किचन साफ करके, एंड देन आई विल डू दैट। सो या दैट्स द प्लान। चलो लगते हैं काम पे फटाफट से। एंड सॉरी अबाउट दैट कि कैमरा नहीं उठा पा रही मैं बिल्कुल भी। मैंने सोचा था कि मैं पहले प्रेप वाला व्लॉग बनाऊंगी एंड देन फिर मैं कल पूजा का व्लॉग बनाऊंगी, बट इट्स ऑल मेस्ड अप गाइस। अकेले होते हो ना तो यही बड़ा मुश्किल काम है कर पाना। तो या चलो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ आटा गूंदने जल्दी से रोटी बनाने के लिए, तो चलो काम निपटाया जाए। हाँ जी गाइस, हो गया है हमारा डिनर। मैं वो भी हो गया है हमारा डिनर। अब मैं आ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए, जो मैं अगेन भूल गई कैमरा उठाना बिकॉज रात के बज रहे हैं 10:15-10:30। एंड अभी सिचुएशन ऐसा है कि बस काम करो और ख़त्म करो कि कल पूरा दिन बहुत हेक्टिक है, तो इसलिए मैं लग गई काम पे। एंड लुक एट दैट, यहाँ रख दिया हमने पंजीरी बनने के लिए, तो वो चल रहा है अभी। आई हैव अ कज़न टू हेल्प, तो वो मेरी हेल्प कर रही है, तो इसीलिए वो तो ये कर रही है, तो मैंने सोचा था मैं क्लिपिंग ले लेती हूँ। तो चलो अब हम ये बनाते हैं और थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। एंड यहाँ पे मिस्टर हस्बैंड को भी हमने लगा दिया एक काम पे, ड्राई फ्रूट कटिंग के। तो ये कर रहे हैं ये काम, ड्राई फ्रूट को काट काट के रखेंगे ये, ताकि हम पंजीरी में मिला पाएँ। एंड हम दोनों बहनें मिलकर भून रहे हैं पंजीरी। सो यस, चलो काम पे लगा जाए। हाँ जी गाइस, हमारी पंजीरी पहुंच गई है अब इस कंडीशन पे जहाँ से हमने शुरू किया था। इट्स ऑलमोस्ट डन, 5-10 मोर मिनट्स, बस उतना और हमें करना है। सिमर गैस पे कर रही हूँ मैं, बाय द वे ये ना मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो अगर मेरी बहन नहीं होती तो मैं नहीं कर पाती। सो या एनीवे शी इज़ कैमरा शाय, तो इसलिए उसको मैं नहीं दिखा रही हूँ बाय द वे। सो बस अभी ये चल रहा है, और कितने बज रहे हैं, 11 बज गए करते करते हमें। बस अभी और चलेगा हाफ एन आवर, ये सब फिर सोएंगे यार। आई एम टायर्ड ऑलरेडी, कल का दिन बहुत हेक्टिक जाने वाला है, कल से मेरे दिन बहुत हेक्टिक जाने वाले हैं। करेक्शन, हाँ जी गाइस, हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग। एंड मैं बस मॉर्निंग के बाद ना बहुत कुछ कर लिया है और मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली यार अगेन कैमरा उठाने की, तो सॉरी फॉर दैट। तो बस मैं अभी जा रही हूँ रेडी होने, काम ऑलमोस्ट जाना है, पूजा का सामान ऑलमोस्ट आ गया, थोड़ा बहुत जो बच जाए वो मिस्टर हस्बैंड गए लेने के लिए। एंड मैं बस जा रही हूँ रेडी होने, और ये वाला बंदर दिखाती हूँ मैं आपको, वो भागी पहली। तो चलो भाई हम जाते हैं, रेडी होते हैं, चेंज करके फिर मिलते हैं, बिकॉज बस एक घंटा बचा है पूजा स्टार्ट होने में, एंड उतना टाइम तो हमें लगेगा रेडी होने में। वही ना, चलो गाइज आपको मैंने कर दिया है सेट, एंड प्रेप चल रही है यहाँ पे, अब आप लोग देखते रहो। अब तू बच नहीं पाएगी भैया, कहीं बैठ जा तू।
डन, ऑल डन. सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ ना पूजा के बाद कि मुझे कैमरा उठाने का मौका ही नहीं मिला. एक्चुअली व्हेन यू आर द सोल पर्सन डूइंग एवरीथिंग ना, आपको नहीं मिल पाता है कि आप बीच में उठ के कुछ कर पाओ. और मेरे पास अभी ऐसे कोई है भी नहीं. ऑल्दो माई कज़न केम तो वो बीच बीच में पूजा की रिकॉर्डिंग करती थी, अदरवाइज वो भी नहीं होता बिकॉज मैं खुद पूजा पे बैठी हुई थी. सो यस, चलो वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ आफ्टर सिचुएशन लुक्स लाइक दिस. तो ये सब अभी ऐसे ही रहेगा, ये अभी कल या परसों में हम हटाएंगे, अभी तुरंत नहीं हटाते हैं, इसीलिए जस्ट इन केस किसी को नहीं पता हो तो मैंने बता दिया. ये है आफ्टर थिंग गाइज, एंड आई एम टायर्ड लाइक एनीथिंग. तो बस अभी मैं थोड़ा देर रेस्ट पे हूँ, तो तब तक मैंने सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए. चेंज किया है बस, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है. अभी मेकअप भी हटाऊंगी बिकॉज अब गर्मी हो रही है मेरे को, इसीलिए चलो बाय बाय. हाँ जी गाइज, मैं उठ गई हूँ सो के. मैंने एक घंटा बढ़िया नींद ले ली है, थक इतना गई थी ना मुझे पता भी नहीं चला. वो तो बेल बजी तो मुझे होश आया है कोई आया था बाहर. बस अभी मैंने कहा मेकअप हटाया जाए सो दैट इवनिंग के काम किए जाएँ. अभी बज रहे हैं 5, सोच रही हूँ कोई अभी है नहीं, एवरीबडी हैज़ गॉन आउट फॉर सम वर्क, इसीलिए मैं अकेली हूँ अभी. तो अभी पहले तो चाय पियेंगे क्योंकि सर में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द. चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद आई नीड टू गो फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग बिकॉज इवनिंग के लिए सब्ज़ी बनाने को नहीं है, सब्ज़ी लेके आती हूँ, फिर डिनर की तैयारी करते हैं. सो या बट फिलहाल तो बस मेकअप हट रहा है. चलो जी, मेरी आवाज़ से भी मालूम पड़ रहा होगा अभी सो के उठी हूँ. हाँ जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ सब्जी लेके और बनाना शुरू कर रही हूँ. लेट मी शो यू दैट. सबसे पहले तो मैंने रखा है दूध बॉईल होने के लिए बिकॉज चाय के लिए दूध नहीं है क्योंकि मुझे अपनी चाय पीनी है, सर दर्द कर रहा है. फिर यहाँ मैं रख रही हूँ थोड़े से आलू बॉईल होने के लिए जस्ट इन केस सिचुएशन के लिए. एंड अभी मैं लेके आई हूँ तोरई की सब्ज़ी जो मैं बनने रखूँगी. ये सब बनने रखती हूँ फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी. सो या एंड विद दैट ऑल्सो मैं अपनी वीडियो भी देख रही हूँ जो मैंने अभी पोस्ट की है, मैं वो भी देख रही हूँ साथ में. सो यस, दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ गोइंग ऑन. अकेले अभी ऐसे ही है. मैं आप लोग को ट्राई करती हूँ उस पर ट्राईपॉड पे फिक्स करने के लिए ताकि आप लोग देख पाओ कि क्या चल रहा है. ठीक है चलो. चलो जी, पहले पिए पानी, इसके बाद काम शुरू करेंगे. एंड गाइस, हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ा ख़राब आए बिकॉज अभी फैन चल रहा है, गर्मी बहुत हो रही है मेरे को, इसलिए आई कॉन्ट डू लाइक दैट, इसीलिए चलो. तो मैं जनरली आपको ऐसी अलग अलग रेसिपीज दिखाती हूँ. आज आप लोग एक बेसिक सब्जी की रेसिपी देखो जो कि है तोरई, बिकॉज मैं बना रही हूँ मेरे फादर इन लॉ के लिए, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ. तो मैं बिल्कुल बेसिक बना रही हूँ. बिना किसी मसाले के बिकॉज ही इज नॉट अलाउड टू हैव मसालाज, इसीलिए. एंड ऑयल भी हम बिल्कुल मिनिमम डालेंगे बिकॉज ऑयल भी उनके लिए अलाउड नहीं है, ही इज़ कुछ ही सिक, तो इसीलिए बस मिर्ची में मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च बिकॉज उनको लाल मिर्च भी अलाउड नहीं है. एंड इससे पहले मेरी हरी मिर्च जल जाए बिकॉज आज मेरी कढ़ाई भी ना गड़बड़ है, हल्की वाली कढ़ाई रख दी है मैंने तो गड़बड़ हो गई है. हींग, जीरा एंड हल्दी. एंड अब जाएंगे
इसमें धनिया पाउडर, बस दैट्स इट। अब इसको स्टर करके हम चला देंगे अपनी सब्जी। बहुत थोड़ा सा पानी, बिकॉज तोरई अपना पानी खुद से छोड़ती है, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना तो इतना लिक्विडी हो जाएगी कि बिल्कुल ही रायता बन जाएगा इसका, इसीलिए। अच्छा, आई नो आप लोग को लग रहा होगा मसाला बहुत कम है। यस, मसाला कम है बिकॉज मैंने अपने फादर लॉ के हिसाब से बनाया एंड ही इज़ नॉट अलाउड टू हैव मसालाज, तो इसीलिए ये ऐसे एकदम बेसिक वाला है। अब डालते हैं हम इसमें नमक, नमक भी, नमक ना ये साइज मत देख के करना, बट गाइस मैं कर चुकी हूँ पंगा पहले, ठीक है। आपको लगे सब्जी इतनी सारी है तो नमक लगेगा, पर ऐसा नहीं है, अभी ये गलने के बाद ना कितनी सी रह जाएगी सब्जी, तो नमक ओवर हो जाता है इसीलिए, ठीक है। चलो अभी इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर देती हूँ जस्ट बिकॉज ताकि सब्जी लग ना जाए, तब तक ये अपना छोड़ेगी पानी उतनी देर में भी, इसीलिए। चलो वी आर डन, अब इसको हम ढक देंगे और इसे हम पकने देंगे। हाँ जी, तो मैंने सब्जी रख दी है बनने, अब मैं बनाती हूँ अपनी चाय, बिकॉज सर में हो रहा है दर्द, चाय की बहुत सख्त जरूरत है मेरे को, तो मैं बनने रखती हूँ चाय। साथ में मेरे आलू भी हो गए, बिकॉज पहले वाले में राउंड में ना वो नहीं हुए थे। एंड आई एम सर्चिंग फॉर इलायची पाउडर, जो पता नहीं कहाँ गई, लेट मी ढूंढू, मिल गया, थोड़ा सा डालेंगे ज्यादा भी। वाह ताज। चलो गाइज, मेरी चाय आ गई है विद रस एंड सम नमकीन। चलो, हाँ जी गाइज, हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं कल रात में इस व्लॉग को एंड करना भूल गई, एक्चुअली भूल क्या गई, मैं बिजी हो गई चाय के बाद ना, फिर एवरीबडी केम बैक, मैं डिनर में लग गई एंड देन फिर मैं सो गई, थक तो गई थी कल, तो मुझे याद नहीं रहा, इसीलिए मैं अभी इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, छोटा सा क्यूट सा व्लॉग था, मेरी घर में पूजा रखी थी, तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून, क्योंकि अभी तो फेस्टिव सीजन है, व्लॉग्स आते रहेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं एक नया व्लॉग डालूँ। सो या, आई विल सी यू अगेन सून, बाय बाय, टेक केयर।